सभा में बैठे हुए मेरे पिता तुलभद्र नौजवान साथी मेरी माता बहना भैया धर्मवीर जी कभी ने अपनी कलम को उठाया मैं दोनों और लिख दिया कुछ ऐसे शब्दों को पैदा कर दिया कुछ ऐसे शब्दों को जन्म दे दिया कुछ ऐसे शब्दों को जो तो समाज के अंदर कुल वैल्यू कुल बोल वाला अपनी जगह अपना स्थान पर तो सुनियो बैठे आइए कभी क्या सुझाव दे रहा है
Thank you.
ये पीरों का काम नहीं, तेरी आप हाथ उठाएगा तो लई संदूक अतुलनीय में और कौशल्या बैठाई और फिर जल के बीच आज कौशल्या को जल के अंदर बहा दिया। जब राजा रोमपाल को ये मालूम हुआ कि मेरी बेटी कौशल्या का हरण हो गया है, लेकिन चौक में कभी लोग क्या लिख रहे भैया जी, जिसका धर्म अपमान होए मैं खुद की अकड़ लड़ाई है।
जब ये ग्रंथ कितने के राजा दशरथ ने देख लिया, आहा आज भोजन लेकर के सीता जी पहुंच गई। पिताजी भोजन कर लीजिए, बेटी मैं तेरा भोजन अवश्य करूंगा, पहले एक बात सुननी होगी मेरी। और क्या बोली मेरी, अरे चाइल कर दे काउज नतिया मेरे राम को मारेगी, दादा बतन करूं मैं भोजन अपने प्रण को मारेगी। और ऐसी नजर चुआज से पीछे और आपके पाए हैं हमको भारी।
संस्कार, रोने लगे। क्या जवाब दिया? अगर गायका नहीं हो तो गायक हो। अच्छा अच्छा ठीक, देखिए दोनों अंधान थी, दोनों अंधे थे, बिलासा थे किस तरह से। और क्या जवाब दिया भैया? मंत्री को पास में बुला लिया। और क्या होता भैया सुंदर? और सदन में मैं राजा रहा हूं। जब ऐसे वतन